आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूँ फूड गुरु मागीता। मेरे चैनल में आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं बनाऊंगी फिश मसाला करी। तो चलिए देखते हैं उसका लिए क्या क्या चाहिए। तो मैंने लिया है ये रोहू फिश, इसको थोड़ा सा एक घंटा पहले हल्दी नमक मिला के रख दिया था। और मसाला के लिए मैंने एक चम्मच धनिया, एक चम्मच जीरा, अदरक और लहसुन 4-5 कोली, इसको मैंने ग्राइंड करूँगी। और थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया, 2 प्याज लिया, 2 टमाटर, थोड़ा हरी मिर्ची, नमक और काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और तीखा लाल मिर्ची पाउडर। और थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, इसको भी मैंने पेस्ट बनाऊंगी। और ये सारे मैंने सरसों का तेल में बनाऊंगी। तो पहले हम मच्छी को फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म हो गया है, अभी गैस को थोड़ा हम मीडियम में रखेंगे और एक एक मच्छी इसमें फ्राई करेंगे। मच्छी फ्राई करते टाइम इसमें जल्दी करछी नहीं लगाना है, ये बबल्स आ रहा है देखना है। और नीचे से थोड़ा ब्राउन होने के बाद हम मच्छी को उल्टा करेंगे, नहीं तो ये मच्छी सारे टूट जाएगा। अभी धीरे से उल्टा कर देंगे, देखिए इधर थोड़ा ब्राउन हो गया तो ये आराम से उल्टा हो रहा है। देखिए ये हो गया, अभी इसको निकाल देते हैं। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि हम इसको करी बनाएंगे ना, इसलिए इसको निकाल देते हैं। अभी देखिए सारी मच्छी फ्राई हो गया है, अभी हम इसी कड़े में ही सब्जी बनाएंगे। इसमें करीब 3-4 चम्मच ऑयल होगा, तो मैं इसको नहीं निकालूंगी, इसमें ही बनाऊंगी। अगर आप बनाओगी ज़्यादा तेल होगा तो थोड़ा सा निकाल देना। ऑयल गर्म होगी, इसमें हम प्याज डालेंगे। अभी ये बट्टा मसाला इसमें डालेंगे, जीरा, धनिया, अदरक, लहसुन और प्याज, इसको मैंने पेस्ट बनाया। फिर हल्दी पाउडर और ये मिर्ची पाउडर, काश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, ये सबको डाल देंगे। अभी और मसाला को थोड़ा हम अच्छा से भुनेंगे। अभी हम टमाटर डालेंगे,
इसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे। मिर्च में नमक डाला था तो इसमें जितना जरूरी उतना नमक डाला है। दो मिनट इसको कवर करके ये टमाटर पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी खोल के देखेंगे। देखिए टमाटर नरम हो गया, ऑयल भी निकल गया कितना अच्छा से। ये कड़ी पत्ता को भी मैं डाल रही हूँ और एक मिनट ऐसे भुनेंगे। सारी मसाला अच्छी तरह से पक गया है, अभी इसमें पानी डालेंगे। ये सब मसाला मैं तो पेस्ट बना के बना रही, आप लोग इसको पाउडर से भी बना सकते हैं। जीरा धनिया ये सब का पाउडर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये गोटा मसाला से ना सब्जी बहुत अच्छा लगता है। तो ये मसाला का पानी था, इसको मैंने ऐड कर दी। इसमें उबाल आएगा तब तक हम इसको कवर करके अब खोल के देखेंगे। देखिए इसमें अच्छी तरह से उबाल आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसमें एक एक मच्छी छोड़ेंगे। ये हरी मिर्ची, और बोटा गरम मसाला, अभी 5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे, फिर से कवर लगा के। अभी 5 मिनट हो गया है, खोल के देखते हैं। देखिए हमारा फिश करी बन के तैयार हो गया है। अभी इसको हम डिश आउट करते हैं, पहले गैस को ऑफ कर देते हैं। और आप लोगों को कैसे लगा ये मेरा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना है। और आप इसी तरीका से एक बार फिश करी बना के खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। और अच्छा लगा तो एक लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हम न्यू रेसिपी का साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।